तो गाइस आप लोग बोल रहे थे कि भाई गोवा जाओ तो गोवा का घर दिखा देना, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना गोवा का घर। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर जो है एक्चुअल में बहुत बड़ा नहीं है, घर तो छोटा सा ही है, लेकिन बहुत ही स्वीट है, इसकी एम्बियंस बहुत अच्छी है और आसपास इतना अच्छा इसका है। मतलब अभी तो रात हो रखी है, थोड़ी देर पहले ही मैं पहुँचा, और अदरवाइज इसके चारों तरफ ग्रीनरी बहुत अच्छी है और बीच यहाँ से बहुत पास में है। छोटा सा घर है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये मेरे घर का किचन। एक मिनट रुको। तो बहुत सब कुछ ना छोटा छोटा किया गया है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे चिमनी लगवा दी, यहाँ पर ये गैस, सब कुछ कॉम्पैक्ट आपको लगेगा, बट यहाँ पर क्या है, बहुत महंगा है। तो महंगे में क्या है, जैसा आप सही कर पाओ उतना बढ़िया। यहाँ पे ये मैंने ड्रिंकिंग वाटर का आरओ लगवा दिया है, ठीक है, इसमें स्टोरेज हो जाता है, यहाँ पर क्रॉकरी, तो मॉड्यूलर किचन है, चीजें सारी हैं इधर। इसमें मैंने अटैच्ड वॉशरूम दे दिया है, ठीक है, वॉशरूम दिखा दो। वैसे कोई नहीं दिखाता, पर मैं दिखा सकता हूं। तो बहुत ही प्रॉपर चीजें हैं, घर छोटा है लेकिन सब कुछ है। अब ये देखिए, इधर मैंने ये हॉलीडे होम है, यहाँ पे आप डेली नहीं रह सकते, बट आपका कभी मन करे या कभी दोस्तों का मन करे तो चाबी दे दो, उस तरह का ये घर है। तो सारे कपड़े आप यहाँ पे रख सकते हैं, फ्रिज लगवा दिया है मैंने, है ना, पानी पीना, पानी पीना, तो फ्रिज लगवा दिया है। और ऊपर आप देखिए, इसमें आप शो पीसेस भी रख सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे जिसमें आपको कबर्ड नहीं खोलना है, वो वाले सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बाद में एक यहाँ पर एक मैंने बेड रखा है, सामने उसके बिल्कुल टीवी है, और बहुत ही मिनिमल इंटीरियर है, लेकिन इंटीरियर आप देखिए क्या बढ़िया। ये पेंटिंग, दो पेंटिंग यहाँ पे लगवा दी गई, ड्रेसअप होने के लिए यहाँ पर मैंने मिरर लगवा दिया है। और अगर मैं थोड़ा सा इधर आऊं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, और यहाँ पे क्या है कि पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट का जैसे फील है। इसमें क्या है कि हॉल, किचन, ये सब सेपरेट नहीं होता है, ये सब एक ही जगह सब कनेक्टेड रहता है। तो उसी तरह से ये एक तरह से आपको उसका हॉल का फील देता है। और यहां से अगर आप खोलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी ग्रीनरी दिखती है। अभी तो रात हो रखी है, अदरवाइज आपको मैं दिखाता। गुरु जरा आना, देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा ऊपर करेंगे तो, फोन में शायद नहीं आ रहा है, हाँ आया। और बहुत ही अच्छा है, नीचे स्विमिंग पूल है ना, और पास में ही यहाँ से बीच है। तो अभी क्या है, ये तो जोक था कि मैंने एक घर खरीद लिया है, दरअसल एक ये रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं। और पहले होटल का जो कॉन्सेप्ट चलता था, उससे पहले धर्मशालाओं का कॉन्सेप्ट चलता था, और आजकल जो है सर्विस अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट चल गया है। तो आप देखेंगे एयरबीएनबी और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्लैट्स भी दिखाती हैं, ना सिर्फ होटल दिखाती हैं बल्कि फ्लैट्स भी दिखाती हैं। आप किसी भी शहर में जाएं तो एयरबीएनबी या booking.com, इन सब पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये ऐड नहीं है, ये सिर्फ एक जोक था, और अगर आपको ये जोक अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा, क्या फनी लगा, क्या सही लगा, क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो कमेंट में बताइए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कुछ लोगों को बताइए कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट चलता है, बहुत लोग अपने अपार्टमेंट्स रेंट करते हैं शहरों में, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है।